हमारे तो पंजाब में ब्याह जैसे तैयारियां हो रही है 26 जनवरी के लिए। कानून उन्होंने बनाया तो वो रद्द करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को क्यों बीच में घिस रहे हैं? ऐसे कोई रौनक होगी ऐसे बुजुर्गों से और बच्चों से, सबके साथ मिलकर ही सबका साथ सबका विकास, ये मोदी जी का ही नारा है और हम इसी के साथ ही चल रहे हैं। कमेटी के जो मेंबर है ना वही सरकार की मंशा बता रहे हैं कि कौन कौन मेंबर है। हम चीज मांग ही नहीं रहे, हमें धक्के से क्यों दे रहे हैं? मैं आपके घर में आके कुछ जबरदस्ती आपको दूं, आपको नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे? मैं एमपी से आया हूं, 6 दिसंबर से लगातार अपने आंदोलन में इन्वॉल्व हूं। अंडानी और अम्बानी उनको किसान बना के उनकी डबल करेंगे। हमें कम से कम लागत मिलनी ही चाहिए, नहीं मिलेगी तो हम अपने लिए रोटी पैदा करेंगे, हम किसी के लिए नहीं करेंगे। किसान आंदोलन के करीब 50 दिन, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, लोहड़ी का त्यौहार और दिल्ली का सिंघो बॉर्डर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आए हुए 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। लोहड़ी का त्यौहार आ गया है और इस वक्त हम सिंघ बॉर्डर पर खड़े हैं, जहां पंजाब के हज़ारों लोग अपना त्यौहार छोड़ करके इस आस में डटे हुए हैं कि वो तीनों कानूनों को वापस करवा कर ही मानेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनज़र ये किसान अब आगे के लिए क्या रणनीति अपनाते हैं? क्या वो वापस जाएंगे? क्या वो कमेटी के सामने पेश होंगे? या वो फिर इस आंदोलन की रूपरेखा को कौन सा नया रंग, कौन सा नया आयाम देंगे? आज ये समझने की कोशिश करते हैं। हम तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, क्योंकि ये काम जो है जो सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये जो संसद में बिल पास हुआ तो संसद ही इसे वापस लेगी। ये कोर्ट की जो बात कर रहे हैं ये तो ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं बात, पर हमें ऐसे नहीं उठने वाले, ऐसे नहीं जाएंगे। जितनी देर तक कानून वापस नहीं होगा, बिल रद्द नहीं होगा, हम वापस नहीं जाएंगे, चाहे लोहड़ी हो, चाहे दिवाली हो, चाहे कुछ भी त्यौहार हो। उससे पहले तो 26 जनवरी की हम वेट कर रहे हैं। हमारे तो पंजाब में ब्याह जैसे तैयारियां हो रही है 26 जनवरी के लिए, शादी का माहौल है। ऐसा क्यों 26 जनवरी ऐसा क्यों चुकी? देखिए, 26 जनवरी एक ऐसा त्यौहार है पूरे देश का, आज़ादी के बाद 15 अगस्त के बाद दूसरा ऐसा त्यौहार है जिसने हमें जीने का मौका दिया, जिसने हमें समानता का अधिकार दिया, समता का अधिकार दिया। उसी संविधान के तहत तो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी वही हक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि आंदोलन में कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कभी आंदोलन के लिए कुछ नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा कि एक बीच का रास्ता निकाला जा सके, एक कमेटी बनाए जो किसान, जो कानून विरोधी लोग हैं, जिनका कानून से विरोध है और जिनका कानून को समर्थन है, उन दोनों के बीच एक बातचीत हो सके, एक पुल बन सके। हमारे लिए एक नूर बनाए किसानों के लिए, जब किसानों को मंजूर ही नहीं है तो क्यों बनाया, ठीक है ना? अगर मैं आपके घर में आके कुछ जबरदस्ती आपको दूं, आपको नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे? आप मना ही करोगे ना, वही हम लोग कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है, वो वापस ले लें, ठीक है ना? चूंकि अब सरकार ने अपनी तरफ से जो गेंद है वो कोर्ट के पाले में डाल दी है और कोर्ट इस देश की सुप्रीम संस्था है, वो तो जिम्मेदारी से भाग रही है, इसीलिए कोर्ट के पास कर दिया, छिप रहे हैं एक तरह से। और उसके पीछे और कोर्ट का जो पहला काम होता है वो स्टे लगाना होता है। उसने पहला काम तो कर दिया कि स्टे लगा दिया है, कानून अगले आदेश तक लागू नहीं होंगे। स्टे तो कभी भी तोड़ सकते हैं वो, वो सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि उनके पास पावर है, पर हमारे पास लोगों की पावर है तो हम उसके लिए अपना सारा जोर लगाएंगे उनको वापस करवाने के लिए, उससे कम हमें कुछ मंजूर नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट तो ये कह रहा है ना कि भाई हमने तो स्टे लगा दिया है, आप लोग लौट जाइए, कुछ जो नौजवान है उनको छोड़ दीजिए, बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को लौट जाना चाहिए। ऐसे कोई रौनक होगी ऐसे बुजुर्गों से और बच्चों से, सबके साथ मिलकर ही सबका साथ सबका विकास, ये मोदी जी का ही नारा है और हम इसी के साथ ही चल रहे हैं। आप उन्हीं के नारे के सहारे उनको जवाब दे रहे हैं? हमारा है सब, लेडीज भी, जेंट्स भी, बच्चे भी, बुजुर्ग भी, सब कोई साथ चल रहा है, तो इसलिए ये इतना सब, ये ऐसा माहौल है यहाँ। अच्छा, आपको एक चीज पता है कि ये जो चारों लोग शामिल किए गए हैं इस कमेटी में, चाहे वो भूपिंदर सिंह मान हो, चाहे वो पी के जोशी हो, ये सारे लोगों ने या तो कभी अखबारों में लिख करके या बोल करके या सरकार से मिल करके ये जो तीन कानूनों का आप विरोध कर रहे हैं उसके समर्थन में ही बयानबाजी की है? पहले से उनके समर्थन में बिल के, हमें भी मालूम है कि ये कमेटी क्यों बनाई है, ये तो सभी, हम भी पेपरों में पढ़ते हैं, ये तो सभी उसी के साथ है, मालूम है सब कुछ। अब कुछ भी कुछ छिपा हुआ नहीं है, सरकार जितना जानती है लोग उससे ज्यादा जानते हैं। कमेटी के जो मेंबर है ना वही सरकार की मंशा बता रहे हैं कि कौन कौन मेंबर है। अगर हमें लगता, अगर हमारे लीडर्स को लगता कि वो हमारी बात सुनेंगे, क्या वो मना करते कि हमें कमेटी नहीं चाहिए? सबको पता है कि उनके दिल में क्या है। वो अपनी ड्यूटी से भाग रहे हैं, अपनी बॉल उठा के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फेंक दी। कानून उन्होंने बनाया तो वो रद्द करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को क्यों बीच में घिस रहे हैं?
एक वो स्टे लगाने से तो कुछ नहीं होता, हम उसको भंग करें, ख़त्म करें। सरकार का अर्थवे, सुप्रीम कोर्ट का अर्थवे, हमें क्या ऐतराज है, लेकिन हमें वो ख़त्म चाहिए। सरकार ने जो हलफनामा दिया है सुप्रीम कोर्ट में, वो ये कहता है कि हमने बहुत सारे किसान संगठनों से बात की है और उनसे बातचीत के बाद हमने ये कानून लागू किया। दिसंबर में रजिस्ट्रेशन हुई और तभी उनसे जनवरी में उनसे यस करवा लिया था, ये थोड़ा होता है। ये जो उन्होंने बात कर ली, क्या कोरोना के टाइम में लॉकडाउन में कर ली उन्होंने, उस टाइम कानून बनाना जरूरी था? लॉकडाउन में तो इकट्ठे 20 बंदे तो इकट्ठे नहीं हो सकते थे। पिछले 20-22 सालों से इस पे बातचीत चल रही है और 20-22 सालों के संघर्ष का नतीजा है ये। 20-22 सालों की जो बात होती है वो एकदम लागू कैसे हो जाती है भाई? वो तो 2001-02 की बात कर रहे हैं, वो बताएं भी 2019 में क्या किया उन्होंने, 2020 में क्या किया? उससे पुरानी डिस्कशन तो 100 साल से चल रही है, क्या वो सभी कानून बन गए? हम चीज़ मांग ही नहीं रहे, हमें धक्के से क्यों दे रहे हैं? अगर वो धक्के से दे रहे हैं तो वो गलत है, उनका कोई मोटिव और है, ये सही मोटिव नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए, मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे और कृषि सुधारों की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और उसी रिफॉर्म्स के तहत ये तीनों बिल लाए गए। दोगुनी वो कम करने की दोगुनी नहीं करेंगे, अडानी जी की 100 गुना करेंगे। किसान हो गए अडानी अंबानी जी, उनकी आमदनी दोगुनी होगी, हमारी नहीं होगी। हमारी तो जितनी है हम उतने में सब्र कर रहे हैं, उसको सही तरीके से चलने दें। वो जितने की चीज़ पैदा होती है उससे आगे बेचेगी तो बेचेंगे, नहीं क्यों पैदा करेंगे? हम भी आम जनता हैं, नागरिक हैं इस देश के, हम उतनी मेहनत करके हम मसा गुजारा करते हैं। वो जो बीच में ये ऐसे काम करते हैं वो कहाँ कहाँ पहुँचे हुए हैं। हमें कम से कम लागत मिलनी ही चाहिए, नहीं मिलेगी तो हम अपने लिए रोटी पैदा करेंगे, हम किसी के लिए नहीं करेंगे। जिन पार्लियामेंट मेंबरों को हम वहाँ असेंबली में पार्लियामेंट में भेजते हैं, वो पार्लियामेंट मेंबर कभी भी देश की जनता के रेफरेंडम को न समझते हुए अपने मन मुताबिक तरीके से भाई ऐसे कानून देश के जनता के अंदर क्यों थोपना चाहते हैं, एक 5% बिजनेसमैनों की आड़ लेकर। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी एक लोकतंत्र के मर्यादा रखते हुए ये सुप्रीम ने ये डिसीजन दिया कि भाई आप लोगों को भाई हम भी कहीं ना कहीं भाई सरकार के दायरे के तहत ये डिसीजन ले रहे हैं, ये लोग भाई हमने आपके सामने दिए हैं, अब इनकी सच्चाई को पहचान लो और जान लो भाई ये आपके कितने हितैषी हैं। कहीं ना कहीं सुप्रीम ने भी हमारे सामने एक सच्चाई उजागर करने की पेशकश की है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या दक्षिण भारत के लोग यहाँ क्यों नहीं आ रहे, आप लोगों को क्या लगता है? सब आ रहे हैं, दूर है ना, सबूत आते हैं सामने। मेरे सवाल का जवाब मिल गया, ये मध्य प्रदेश से। मैं MP जिला डिस्ट्रिक्ट छतरपुर का हूँ। अच्छा। मैं MP से आया हूँ, 6 दिसंबर से लगातार अपने आंदोलन में इन्वॉल्व हूँ और मेरे कैसे युवा, यहाँ बहुत सारे युवा MP से आए हुए, ये पंजाब और हरियाणा का आंदोलन बिल्कुल नहीं है, यहाँ समूचे देश का किसान आ रहा है। और थोड़ी सी क्या समस्या है, पंजाब और हरियाणा का किसान समृद्ध किसान है, साक्षरता किसान है। हमारे यहाँ MP बिहार UP अगर जो बकरा बकरी भैंस पड़ा नहीं बिकता पूरे देश में, तो किसान इतना मजबूर है, इतना कमज़ोर है कि अपने बच्चों के लिए कपड़े तक नहीं खरीद पाता। चलिए, तो ये एक बात तो तय है कि महिलाएं यहाँ पे जो हैं और किसान यहाँ पर जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की इस कमेटी के बाद भी पीछे हटने को राजी नहीं हैं, वो अपना आंदोलन तब तक जारी रखने के लिए यहाँ पे प्रतिबद्ध है जब तक कि ये तीनों कानून वापस नहीं लिए जाते। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।